मैं भी मौजूद हूं श्री माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड विश्वविद्यालय संस्थान और प्रौद्योगिकी संस्थान भवन यानी बीटेक कॉलेज भवन में मौजूद हूं। बहरहाल 2013 में ये कॉलेज पास हुआ था और 2016 में बिल्डिंग बन के तैयार हो गई थी। कई वर्षों बाद लेट सवेर कहीं ना कहीं आज मैं जहां पर पहुंचा हूं बॉन बीटेक कॉलेज में कॉलेज चालू हो गया है। बहरहाल एंडिंग यानी यदि मैं इस बीटेक कॉलेज की बात करूं तो 1 जून 2023 में इसका उद्घाटन हो गया था। बहुत डिस्प्यूटेड में बना रहा, लगातार स्थानीय लोगों की मांग इसको लेकर के कई बार जो कि देवभूमि में अमन देखा जाता है, लगातार सरकारों का बदलना रहा है, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, और जब दूसरी बार बीजेपी लगातार जीत के आई है बीजेपी के द्वारा कॉलेज को बहरहाल जून में चालू कर दिया गया है। और जिस तरीके से ऑफिस में होता है ये यहां पर कमरे के अंदर फोटो लगी हुई है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री और टेक्निकल मिनिस्टर सुबोधनिया और चांसलर जो श्री माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय के हैं, जहां से जिनके मार्गदर्शन में और जहां से कि बच्चों को डिग्री दी जानी है। और यहां पर जो अपॉइंटमेंट हुआ है अभी एचएस भदौरिया साहब हैं, आज जाने का करूंगा प्रयास। पहले यहां पर डायरेक्टर के रूप में बोलो, प्रिंसिपल के रूप में यहां पर ज्वाइनिंग हुई है और मैं उनसे बात करूंगा, पूछूंगा क्या है वर्तमान गति। हालांकि यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो लगभग 11 के लगभग छात्र हैं और 8 के लगभग पढ़ाने के लिए स्टाफ और 6 के लगभग कुछ एम्प्लॉय, ओवरऑल 15 के लगभग एम्प्लॉय अभी यहां पर कार्यरत हैं। जब मैं जाने का प्रयास कर रहा था और बार बार की पूछूंगा क्या कहते भदौरिया साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहरहाल आप के यहां पर कदम पड़ने से कहीं ना कहीं शायद इस एरिया में, इस जिला में एक रोशनी की किरण जग चुकी है। क्या बोली आपने जब आपने यहां पर ज्वाइन किया, अपना जो पिछले साल का आपका अनुभव रहा उसको थोड़ा बताएं। ये संस्थान वीर माधव सिंह भंडारी विश्वविद्यालय उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय के पटसा संस्थान के रूप में इसी साल 2023 से स्टार्ट किया गया है। और अभी इस सत्र में हमने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये दो ब्रांचेस स्टार्ट किए हैं, जो कि आज की डेट में इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत ही डिमांडिंग एरियाज हैं या फील्ड्स हैं। और नेक्स्ट मतलब अगले सत्र से, आगामी सत्र से हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग को भी स्टार्ट करने का हमारा प्लान है और इसको हम, हो सकता है कि हम नेक्स्ट सत्र से ही हम सिविल इंजीनियरिंग को प्रारंभ करने के लिए को स्टार्ट करें। अभी सर यहाँ पर जो स्टाफ है टोटल ओवरऑल कितने ट्रेड चालू है? अभी सिर्फ दो ही ट्रेड हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, दो ट्रेड स्टार्ट हो चुके हैं और नेक्स्ट सप्ताह से हमारा सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट करने का प्लान है। अच्छा, अभी बहरहाल बच्चों की जो संख्या है बताया जा रहा है बहुत कम गया है, बच्चों की संख्या बढ़े उसके लिए आपके द्वारा और जो उत्तराखंड विश्वविद्यालय है उसके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है, कैसे बढ़ेंगे, कोई इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं क्या? एडमिशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, उसी वजह से इस सत्र में बच्चे कम हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से और हमको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उसको हम फॉलो करते हुए हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हमारे यहाँ बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इस संस्थान का। मैं आपको भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अभी हमारे माननीय गवर्नर साहब की तरफ से एक विश्वविद्यालय को कुछ आसपास जो पूरे ओवरऑल उत्तराखंड में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, बच्चे जो स्टूडेंट्स हमारे 12th क्लास के हैं या डिग्री कॉलेजेस में हैं, उन बच्चों की क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड सर्वे करने के लिए गवर्नर साहब की तरफ से यूनिवर्सिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी।
उसी के क्रम में यूनिवर्सिटी ने डिस्ट्रिक्ट वाइज जितने भी कैंपस संस्थान हैं उन सबको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में बच्चों के साथ मीटिंग करने के लिए, उनके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करने के लिए, एक सर्वे कराने के लिए, टीम बनाने के लिए बोला था। तो उसमें हमने अपने उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, इंटर कॉलेजेस हैं और डिग्री कॉलेजेस हैं, हमने वहाँ पर विजिट की और अपने यहाँ से जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो रेगुलरली वहाँ विजिट करते हैं और वो उनके जो भी बच्चों के साथ समस्याएं हैं उनके उनका हम पूरा डिटेल डिस्कशन करके क्वेश्चनेयर टाइप का हम डेटाबेस बना रहे हैं। आप इसका डेटाबेस के आगे यूनिवर्सिटी को भेजिए, ये कहीं ना कहीं एडमिशन को बढ़ाओ भी मदद करेगा। थोड़ा अपना अनुभव बताइए, आप इससे पूर्व में आप कहाँ पर थे? मैं गोरदौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गोरदौड़ी पौड़ी में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 10 साल से मैं वहाँ पे 8 से 9 साल से मैं वहाँ प्रोफेसर एंड हेड हूँ और 2005 से मैं वहाँ पर एज ए फैकल्टी काम कर रहा था। आप तो काफी साल से आपको अच्छा अनुभव है, तो आपको क्या लग रहा है जो यहाँ पर अभी प्रवेश है, जो सिनेरियो बहुत चारों तरफ बहुत खूबसूरत जगह भी है, तो क्या आने वाले सालों में यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सप्लोर मिलेगा? नहीं, ये लोकेशन वाइज बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है और इवन कनेक्टिविटी वाइज भी देहरादून से जो हमारी कनेक्टिविटी है वाया मसूरी आई थिंक अराउंड 140 किलोमीटर है और वाया ऋषिकेश अराउंड 180 किलोमीटर है जो हमारी डिस्टेंस है। और चूँकि हम लोग ऑल वेदर रोड के आसपास ही है, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है ऑल वेदर रोड से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर दूर है, तो कनेक्टिविटी का हमको इन फ्यूचर बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है और हम होप करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा स्टूडेंट्स का और हम इस संस्थान के माध्यम से आसपास जो हमारे जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट में हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम कितना इनपुट दे सकते हैं। तो भदौरे साहब, जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं तो JEE ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा, तो ये जो डाटा आप बना रहे स्कूलों में क्या ये भी थोड़ा सपोर्ट करेगा या क्या इसके पीछे है? ये बच्चों के सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिमोट एरियाज के जो स्कूल्स हैं बच्चों को अवेयरनेस की कमी है, उनको नहीं मालूम है कि 12th करने के बाद उनको किस एरिया में जाना है या उनको अगर सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग में भी जाना है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो इंजीनियरिंग में भी किस ट्रेड में जाना है, तो उसके लिए भी ये अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ज़रूरी था। बच्चों को एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उनको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा उनका बच्चों का जो भविष्य है वो 12th क्लास के बाद ही डिसाइड होना शुरू हो जाता है, तो बच्चों के साथ अवेयरनेस प्रोग्राम प्लस उनको बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि उनके आसपास के क्षेत्र में अगर कोई कॉलेज है तो वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं और उनको 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 हम लोग क्या हेल्प कर सकते हैं, हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। यस सर, और लास्ट में व्हाट वुड यू लाइक टू मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स यहाँ आना चाह रही, व्हाट विल बी फ्रॉम योर साइड टू व्हाट सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट वुड यू लाइक टू प्रोवाइड देम, थोड़ा बताएं। नहीं, हम तो हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी कि जो भी हमारे इंजीनियरिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बेस्ट पॉसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट पॉसिबल लैब्स और बेस्ट पॉसिबल इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं वो हम अपने इंस्टीट्यूट में पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद हम, क्योंकि अभी उत्तरकाशी में पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, ये पहला इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, तो इस कॉलेज के माध्यम से हम हमारे आसपास के जो भी बच्चे हैं उनको अच्छी से अच्छी जगह प्लेसमेंट कराने की कोशिश करने के लिए हमारा भरसक प्रयास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, HS भदौरिया जिनके मार्गदर्शन में इस सीमांत जिला उत्तरकाशी में बहरहाल यहाँ के विधायक की बात करूं, खासतौर पर सुबोध दुनिया जी और मुख्यमंत्री के सौजन्य से कॉलेज चालू हो गया है, अच्छा अनुभव है, बहुत इनके मार्गदर्शन में कई कई विद्यार्थियों को एक्सप्लोर मिलेगा, एडमिशन लीजिए। जैसे कि मैं बात कर रहा था, बार बार हमने न्यूज लगाई स्कूल में कैरियर काउंसलिंग हो ताकि बच्चे को पता लगे कि हाउ टू क्रैक द एग्जाम, किस लेवल से आना है, कौन सा एग्जाम है और हाउ दे ज्वाइन, ये सब ट्रैक भी शायद भदौरे साहब बता रहे, उनकी फैकल्टी स्कूल में जा रही है, काम कर रही है, सरकार उसको काम तो कर ही रही, लेकिन जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, सांसद की बात करूं, विधायक की बात करूं, और इसमें फोकस करना होगा ताकि इस खुद ये जो खूबसूरत जगह में बना हुआ है बॉन्ड बीटेक कॉलेज और
और युवाओं को वास्तविक ही उनको कैरियर मिले, शिक्षा मिले और अपने जो उनके आगे मार्ग हैं, उनके जो गोल हैं, वो अचीव कर पाए। भद्र साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और देखिए आज बहुत बीटेक कॉलेज पर मेरी सीधे गांव जियो की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।